हेलो एंड वेलकम एवरीवन आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का एक मज़ेदार सा चैप्टर जिसका नाम है पद इस पद वाले चैप्टर को लिखा है सूरदास जी ने अब इस चैप्टर के अंदर होता क्या है देखो जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए थे और वो बहुत समय से लौटे नहीं थे तो जितनी भी गोपियाँ थीं वो उनका इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार बहुत समय से वो कर रही थी श्री कृष्ण को जब ये बात पता चलती है तो वो एक व्यक्ति जिनका नाम होता है उद्धव उनको बोलते हैं कि उद्धव एक काम करो तुम उधर जाओ वृंदावन के अंदर और सब गोपियों को बता दो कि मैं नहीं आ पाऊँगा और वो लोग अपना ध्यान योग में लगाएँ जब ये सारी चीज़ उद्धव जी गोपियों को बता रहे थे उसी समय एक भंवरा आ जाता है तो गोपियां डायरेक्टली उद्धव जी को जवाब ना देकर उस भंवरे से बात करना शुरू करती हैं तो शुरू करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट पद से उधो तुम हो अति बड़भागी अप्रस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरेनी पात रह चल भीतर तारस देह न दागी इन पंक्तियों के अंदर जो गोपियां हैं वो उद्धव से व्यंग कर रही हैं जब वो बड़ भागी बोल रही हैं उसे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत भाग्यशाली है बहुत लक्की है बल्कि वो उसका सरकेस्टिकली मजाक उड़ा रही है वो ये कहती हैं भाई तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो यानी कि तुम्हें श्री कृष्ण से अभी तक प्रेम नहीं हुआ उनसे अटैचमेंट नहीं हुआ भाई तुम तो बड़े लकी हो और रहते भी तुम उन्हीं के साथ हो तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है मतलब अगर आप कभी भी कमल का फूल देखेंगे और उसके पत्तों को देखेंगे तो वो पानी के अंदर ही रहते हैं पर वो कभी भी पानी के अंदर डूबते नहीं हैं। ज्योचल चल महातेल की गागरी न ताको लागी प्रीति नदी में पावना बोरियो दृष्टि न रूप परागी सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यो पागी गोपिया उद्धव को कहती है कि जैसे एक गगरी होती है यानी कि घड़ा टाइप होता है उसके अंदर जब हम लोग तेल भर देते हैं तो आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे करके उसका जो तेल है वो बाहर की तरफ भी आने लग जाएगा और कम्प्लीटली उसके ऊपर तेल की एक कोटिंग हो जाएगी फिर बाद में आप उस घड़े के अंदर से पूरा तेल खाली कर दीजिए और उस घड़े को पानी के अंदर डुबाइए तो एक भी बूंद उस घड़े के ऊपर पानी की नहीं टिकेगी तो गोपियाँ यही कहती हैं कि उद्धव तुम उस घड़े की तरह हो मतलब श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी तुम्हें उनसे अटैचमेंट नहीं होता प्यार नहीं होता उनकी जो प्रेम रूपी नदी है उसके अंदर तुमने एक भी बार अपने पाँव तक डुबाने की नहीं सोची तो वो ये बोलना चाहती हैं साथ में गोपियाँ लास्ट में ये भी बोलती हैं कि हम तो उन चीटियों की तरह हैं जो गुड़ पर लगी रहती हैं तो अगर आप नोटिस करोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि गुड़ रखा होता है तो उस पर बहुत सारी चीटियाँ लग जाती हैं तो गोपियाँ भी अपने आप को चीटी से कंपेयर कर रही हैं और श्री कृष्ण को गुड़ से तो हम उनसे मतलब कि इतना अटैचमेंट है उनका कि वो श्री कृष्ण से जैसे चीटिया गुड़ से प्रेम करती हैं ऐसे गोपियां श्री कृष्ण से करती हैं तो वो ये बोलती है कि हम इतना उनसे प्रेम करते हैं और चीटी खाते खाते जैसे ही ही गुड़ गुड़ को गुड़ के ऊपर मर जाती है इसी तरीके से हम लोग भी हैं मन की मन ही मा रही कहिए चाय कौन पे ओ ना ही परत कही अवधि असारास आवन कीतन मन बिथा सही इन पंक्तियों के अंदर गोपियां बोलती हैं हमने अपने मन की बात अपने मन में ही रखी हुई है उद्धव हम आपको उचित नहीं समझते कि हम आपको अपने मन की बात बताएं क्योंकि आप तो उद्धव ऐसे हो कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए तो इस तरीके से गोपियां कहती हैं बोलती हैं कि हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे श्री कृष्ण का कि वो कब आएंगे हम अपने मन की बातें उनसे कहेंगे लेकिन अभी भी हम अपने मन की बात अपने मन में ही रखेंगे अब इन जोक संदेश ने सुने सुने बिर दही चाहती होती गुहारी जितेही धार बही सूरदा सब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। इन पंक्तियों के अंदर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अभी तक तो हम उनका इंतजार कर रहे थे चुपचाप बैठे हुए थे पर अब उन्होंने वही काम किया है जो घी आग के अंदर करता है अब घी आग के अंदर क्या काम करता है घी को अगर आप आग के अंदर डाल दोगे तो आग बढ़ जाएगी इसी तरीके से वो गोपियाँ अभी तक चुप बैठी थीं लेकिन जो श्री कृष्ण ने योग संदेश दिया है उसे सुनकर अब वो और ज़्यादा गुस्से में हो गई हैं यानी कि नाराज़ हो गई हैं जब हमें तकलीफ होती है तब हम अपने रक्षक के पास यानी कि श्री कृष्ण के पास जाना जाएंगे लेकिन अभी तो हमारी तकलीफ़ का कारण ही श्री कृष्ण बने हुए हैं वो हमें दुख दे रहे हैं प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिल रहा हमें अब हम अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे अब गोपियाँ ऐसा क्यों कहती हैं देखो अभी तक वो चुप थी किसी से कुछ नहीं बोल रही थी पर जब श्री कृष्ण ने ऐसा किया है तो वो अपनी मर्यादा को क्या कर रही हैं अपनी मर्यादा में नहीं रह रही हैं वो ये कह रही हैं कि अब हम मर्यादा में नहीं रहेंगे और एक दूसरे व्यक्ति को जो बात उन्हें श्री कृष्ण को बतानी चाहिए थी उसे छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति को ये बात बताएंगे तो वो उद्धव ही है दूसरा व्यक्ति जिसे वो ये सारी बात बता रही हैं हमारे हरिहारे की लकड़ी मनक्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह चक्री इन पंक्तियों के अंदर गोपियां एक पक्षी की बात करती हैं एक पक्षी है जिसे हारल नाम की लकड़ी बहुत पसंद होती है तो वो हमेशा उसके साथ रहता है इसी तरीके से जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती हैं वो ये बोलती हैं कि हमने मन क्रम वचन से हमने दिल से श्री कृष्ण को अपना माना है ठीक है जगते सोते सपने में रात में सिर्फ और सिर्फ किस चीज का उन्हें याद रहता है श्री का याद रहता है सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी सुतो व्याधि हम पो ले आये देखी सुनी न करी यह तो सूरते नहीं ले सौपो जिनके मन चक्री डंडा गोपिया उद्धव को बोलती हैं कि ये जो आप संदेश लेकर आए हो योग का ये हमें कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है देखो हमको तो सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम है उन्हीं को हमने मन में दिल में हर जगह बसाया हुआ है तो ये योग योग संदेश की बात करने से पहले आप सोच लो कि हमें तो उनसे अटैचमेंट है हमें योग संदेश के अंदर इंटरेस्ट है ही नहीं फिर वो बोलते हैं कि ये जो योग संदेश है ये उनको दो जिनका मन चंचल हो यानी कि जिनका मन इधर उधर बार बार भटकता रहता हो हरी है राजनीति पढ़ी आए समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए एक चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए इन पंक्तियों के अंदर गोपियां ये कहती हैं श्री कृष्ण को अब अच्छी खासी राजनीति की जानकारी हो गई है समझ हो गई है इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहां भेजा है अब वो ये सारी बात जो मधुकर है यानी कि जो भौरा है उससे कर रही हैं, पर उन्हें अच्छे से पता है कि ये सारी बात और लोगों को भी सुनाई दे रही है तो इनडायरेक्टली वो एक तरीके से बात कर रही थी दिखाने के लिए लोगों को भौरे से बात कर रही थी पर सबको सुनाई भी दे रही थी बातें कृष्ण जी तो पहले से ही बहुत चतुर थे ठीक है अब मथुरा जाकर जब उन्होंने अलग अलग ग्रंथ पढ़े हैं तो और ज्यादा उनकी बुद्धि का विकास हो गया वो और ज्यादा समझदार हो गए ये बोलना चाहती हैं कूपिया उधव भले लोग आगे के पर हित दौलत थाए अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो होते चुराए ठीक क्यों अनिति करें आपुन जे और अनिति छुड़ाए राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा सताए इन पंक्तियों के अंदर गोपियां उद्धव को ये कहती हैं कि उद्धव तुम एक भले इंसान हो मथुरा जाकर श्री कृष्ण को ये बोलना कि जो हमारा मन है यानी कि जो हमारा इच्छा है वो सब श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं साथ ही में वो जो लास्ट की दो लाइनें हैं ना उनके अंदर वो ये मैसेज देती हैं कि जो राजा है उसका धर्म ये होता है सबसे पहला धर्म कि उसकी प्रजा को कभी भी कोई भी नुकसान ना हो लेकिन यहाँ पर देखो राजा के जो प्रजा है यानी कि हम गोपियाँ हैं हम बहुत दुखी हैं हम बहुत परेशान हैं और हमें कष्ट भी कौन दे रहा है श्री कृष्ण यानी कि मथुरा के राजा यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग देखो इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे कैसे आप जैसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे इसके साथ में ज्वाइन का बटन आएगा अब ज्वाइन के बटन पे आपको मेंबरशिप परचेज करनी है आप मेंबरशिप परचेज करोगे तो आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिनकी आपको तैयारी करनी है और जो इस चैप्टर से आने वाले हैं तो आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज़ करनी है सिर्फ हिंदी के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही नहीं मिलेंगे आपको साथ में इंग्लिश के भी इम्पॉर्टेंट नोट्स सैम्पल पेपर मिलेंगे साइंस के भी इम्पॉर्टेंट नोट्स सैम्पल पेपर मिलेंगे और एस एस टी के भी चारों बुक के इम्पॉर्टेंट नोट्स और सैम्पल पेपर मिलेंगे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टिल देन मनुष्य ज्ञान लेते रहो